हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है पीएनसीयू का कंटिन्यू का, और उसका नाम है डिस्टरी अरेंजमेंट। ये बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक है। हम सीधा इसकी शॉर्ट ट्रैक पे ही जाएंगे, मतलब कि आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि इस वर्ड को अगर हम डिक्शनरी पे अरेंज करें तो इस वर्ड का रैंक क्या होगा उस डिक्शनरी के हिसाब से। तो बेसिकली हम पहले एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम कोई भी रैंडम वर्ड दे देते हैं, हाँ रैंडम ही ले लेते हैं, ठीक है। रैंडम अगर हम ले, बेसिकली RANDOM, हम रैंडम वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम रैंडम वर्ड लेते हैं और अब हमें बेसिकली कोई भी हमारे ऐसे आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, तो हमें पहले उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेने का है। जैसे अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले आएगा ए, के बाद आएगा डी, के बाद आएगा एम, के बाद आएगा एन, के बाद आएगा ओ, और उसके बाद आर। ये होगा उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक बार लिख लिया, बाद में हमें क्या करना होगा? बाद में हमें करना होगा कि हमें इस आर को जहाँ पे भी आर आया उसको कट करना होगा, और हमें उसके आगे देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं। इसके आगे हम देखें तो नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 4 5 है ना दोस्तों, नंबर ऑफ़ लेटर्स 5 है। और उसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। पहले इसमें दो केसेस होते हैं, पहले कि वर्ड रिपीट ना हो और दूसरा जिसमें वर्ड्स रिपीट हो। हम दूसरा भी केस लेंगे पर वो इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। तो ये आता है 5 × 5 फैक्टोरियल। अभी हम अगर ए को इसे कट करें तो ए के आगे तो कोई भी शब्द नहीं है, ए के आगे एक भी शब्द नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके कारण हो जाएगा इसका 0, ठीक है दोस्तों। बाद में अगर हम एन को कट करें तो ये देखो दोस्तों, दो टू वर्ड्स है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है डी एम एंड ओ। टोटल लेटर्स जो बचे वो है डी एम और ओ, और इसको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, तो इधर हो जाएगा 2 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। बाद में अब हम डी से डी कट करें, इसके आगे भी कोई शब्द नहीं है, 0। ओ को ओ से कट करें, एक शब्द, उसको अरेंज करने का 1 फैक्टोरियल तरीका, 1 × 1 फैक्टोरियल। और याद रखें दोस्तों, हम जब भी लास्ट लेटर काटेंगे तो हम एड 1 करेंगे, इस केस में हम 0 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे मेथड से करने जाएंगे तो जो लास्ट लेटर आएगा वो इसके पहले वाला आएगा, इसलिए हमें ये +1 करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली हम इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 5 × 120 प्लस 12 प्लस 2, ये आ जाएगा 600 प्लस 14, 641। तो बेसिकली अगर हम रैंडम वर्ड के, मतलब रैंडम जो वर्ड है RANDOM, इन 6 शब्दों से डिक्शनरी बनाए तो उसमें 614th वर्ड जो आएगा वो हमारा आएगा रैंडम। अभी हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो होगा जो दूसरा एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं पियर्सन, PEARSON, ठीक है। ये है हमारा दूसरा एग्जांपल, ये हो गया एग्जांपल 1, और ये हमारा हो जाएगा एग्जांपल 2, ठीक है दोस्तों। अभी हम पियर्सन को, हमें तो सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा ए ई एन ओ पी आर एस, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम वही करेंगे जैसे हमने रैंडम में किया था। तो पहले पी से हम अगर पी को काटे, सॉरी पी से हम इस पी को काटे, तो याद रखो दोस्तों उसके आगे कितने शब्द, ANNO, टोटल 4 लेटर्स, और टोटल बचे कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो उसको अरेंज करने के वे 6 फैक्टोरियल। प्लस ई को काटे, एक शब्द और बचे कितने, 1 2 3 4 और 5, तो दैट विल बी 1 × 5 फैक्टोरियल। प्लस ए 0, इसके आगे कोई भी वर्ड नहीं है। प्लस आर को हम आर से काटे तो क्या मिलेगा, 2 × नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 और 3, 2 × 3 फैक्टोरियल। प्लस अगर हम एस को काटे, उसके आगे कितने, 2, और
अरेंज करने का कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल, सो इट विल बी 2 × 2 फैक्टोरियल, प्लस ओ को काटे एक शब्द एक ही तरीका अरेंज करने का 1 × 1 फैक्टोरियल, और याद रखो दोस्तों हम जब आखिरी लेटर काटते हैं तो हम प्लस वन करते हैं, तो बेसिकली जब हम इसको गिनेंगे तो आएगा 4 × 720 प्लस 120 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 7 × 4 = 28, 4 × 2 = 8 = 0, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 120 प्लस 18, ये 18 आ जाएगा, और ये 2880 प्लस हो जाएगा 138, ये कितना होगा 8, 8 + 3 = 11, और इधर 1 कैरी तो कितना 10, और इधर 1 कैरी 3018, अगर हम इस डिक्शनरी में अरेंज करें तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये। अभी ऐसे ही इस पे बेसिकली ऐसे ही हमें करना होता है, ये डिक्शनरी अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। अगर हम और एक एग्जांपल ले तो वो हम पीछे लेते हैं, तो वो और एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल नंबर 3 वो ले लेते हैं हम पेटू राम, मान लेते कुछ भी रैंडम वर्ड है कोई ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसा मिलता नहीं है इसलिए पेटू राम ले लेते हैं। तो बेसिकली पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखो दोस्तों अगर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा हो लेटर तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सीधा ये लिख देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले, बाद में आपने ट्रिक समझ ही ली है, नहीं समझी है तो वापस जाइए और वापस उस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। तो आइए पहले ये समझते हैं और एक एग्जांपल, तो पहले तो हम इसको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो आएगा ए ई एम पी आर टी एन यू, ए ई एम पी आर टी एन यू, ये आएगा हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले क्या करेंगे, पी को पी से काटेंगे, पहले देखो आगे कितने शब्द हैं, 3, मल्टीप्लाई करो टोटल नंबर ऑफ शब्द कितने हैं 6, उसको अरेंज करने के कितने तरीके 6 फैक्टोरियल, प्लस बाद में ई को काटा आगे कितना एक शब्द बचे कितने 1, 2, 3, 4 और 5, 1 × 5 फैक्टोरियल, प्लस टी को टी से काटा आगे कितने शब्द 1, 2, 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शब्द कितने अरेंज करेंगे तो कितने वेस बनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टोरियल, प्लस यू को यू से काटा आगे कितने 1, 2, 3 और 3 ही वे बचे हैं तो 3 × 3 फैक्टोरियल, प्लस आर से आर काटा 2 × 2 फैक्टोरियल, 2 शब्द ही, आप देखना आप ऐसी स्पीड में कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आप ऐसी स्पीड में कर पाएंगे। ए को ऐसे काटा आगे कुछ नहीं 0, प्लस एम को एम से काटा आगे कुछ नहीं, पर इसमें याद रखे दोस्तों मैंने बताया था ऐड करेंगे, तो अभी हम लिख देंगे 3 × 720 प्लस 120 प्लस 72 प्लस 18 प्लस 4 + 1, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 2, 3, 7 एंड 5, 2, 3, 7, 5 आपको ये मिलेगा जवाब इसका, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आपको थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ऐसे फटाफट होंगे आपसे। चलो इसके साथ और एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं वाइट, इसको पहले तो हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज, तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल आएगा EHIT & W, डबल को डब्ल्यू से काटो 4 लेटर, अरेंज करने के कितने तरीके 4 फैक्टोरियल, प्लस एच को एक्स से काटो 1 लेटर, अरेंज करने के कितने तरीके 3 फैक्टोरियल, प्लस आई को आई से काटो 1 और अरेंज करने के कितने 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 फैक्टोरियल, 1 × 2 फैक्टोरियल, प्लस टी को टी से काटो एक शब्द अरेंज करने का एक तरीका, ई को ई से काटो। हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा आए ये आखिरी लेटर है और इधर भी फर्स्ट में आ जाए तो आपको 1 ही लिखना है, एड 1 करना है, 0 नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आखिरी लेटर किसी भी लेटर में आप मतलब कोई भी वर्ड दिया है आपको और आखिरी लेटर और फर्स्ट लेटर आपका सेम आ जाए तो आपको एड 1 करना है। अभी आप अगर इसको चले आइए हम गिनी लेते हैं, तो ये हम लिखेंगे 4 × 4 फैक्टोरियल हमारा कितना हो जाएगा 4 × 24 प्लस 1 × 6 प्लस 1 × 2 प्लस 1 + 1, 2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 24, 4 = 96 प्लस 6 + 4 तो ये हो जाएगा 106,
ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी आपको ये डिक्शनरी अरेंजमेंट की छोटी सी ट्रिक सिखाई वो आपको समझ में आई होगी। और तो फिर इसी के साथ मैं अभी दूसरा वीडियो भी आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में, कि अगर जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट हो, जैसे कि हम कोई भी वर्ड मान ले, जैसे कि IIT, IIT, JEE, इसमें देखो ऐसे वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, ऐसे शब्द की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको भी कैसे 2-3 मिनट में हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।